महिला की गला घोटकर हत्या, आरोपी घूम रहे खुलेआम। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद अमरोहा में ज्ञापन देने आए अजय राज सिंह पुत्र स्वर्गीय उमराव सिंह निवासी हटहटवा थाना डिडोली पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपनी बहन मिथिलेश की शादी अनिल कुमार थाना सैद नगली जनपद अमरोहा में की थी। शादी के कुछ समय बाद मिथिलेश पर अत्याचार होने लगा। घटना 15 फरवरी 2020 को ससुराल वालों ने मेरी बहन की गला घोटकर हत्या कर दी। इस घटना को 3 लोगों ने अंजाम दिया। मिथिलेश का पति अनिल कुमार व 2 अन्य, सूचना मिलने पर हम थाना सैद नगली पहुंचे और पुलिस की मदद से हम मिथिलेश के ससुराल पहुंचे। ससुराल में हमने जाकर देखा, मिथिलेश बेड पर मृत अवस्था में पड़ी मिली। फिर हमने शव को अपने कब्जे में लिया और पीएम कराने के बाद हथियारों के खिलाफ मुकदमा संख्या 32/2020 धारा 306 में पंजीकृत कराया। अजय राज सिंह ने कहा कि घटना को आज 30 दिन हो चुके हैं, आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। आरोपियों के खुलेआम घूमने से मुझे व मेरे परिवार को खतरा है। थाना सैद नगली में सुनवाई न होने पर आज हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय अमरोहा में आए हैं और हम एसपी साहब से निवेदन करते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। मैं अजय राज सिंह पुत्र स्वर्गीय अमराव सिंह निवासी ग्राम हटौवा थाना डिडोली। अच्छा, बताइए आज जो एसपी साहब के पास आए, क्या मामला है? एसपी साहब के लिए मैं मेरी बहन की शादी थाना सैद नगली क्षेत्र कस्बा सैद नगली में हुई थी दिसंबर 1998 और 15 फरवरी 2020 को उसके गले में रस्सी बांध करके मार दी गई और हमें जो है बेड पर पड़ी हुई चित अवस्था में पड़ी हुई मिली। अच्छा, उसकी हमने सूचना पुलिस को दे करके जो है पुलिस ने जो है उसे अपने कब्जे में सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और हमारी FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन उस जब 15 फरवरी से लेकर आज तक मुलजिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है और वो जो है हमें जो है उनसे बहुत खतरा है। किस चीज़ का खतरा है आपको? हमें अपनी जान माल का खतरा है। तो कितने लोग शामिल थे? वो 3 लोग शामिल हैं। तो पुलिस ने अभी तक 3 लोगों ने उसे जो उस घटना को अंजाम दिया। तो पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस ने जो है हमें आश्वासन दे रही है लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हमें नहीं लग रही है। क्या कह देती है पुलिस? आश्वासन दे देती है, बोले साहब मैं पकड़ लिया हूँ, जा रहा हूँ, दस्तावेज दे रहा हूँ, लेकिन हमें ऐसा नहीं कुछ नहीं लग रहा। कितना टाइम हो गया इस घटना को? इस घटना को 31 दिन हो चुके हैं, हो गए। तो पुलिस मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर पुलिस रही? कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो आपने नाम जज मुकदमा दर्ज कराया? हाँ, नाम दर्ज और उनके पते सब लिखवा दिए हैं। तीनों में से एक की भी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई? तीनों में से किसी की भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अच्छा, कॉपी करा लो जरा। अनिल कुमार, मिथिलेश पत्नी अनिल कुमार।